June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. छुट्टियां आते ही लोग कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। कोई हिल स्टेशन जाता है तो कहीं कोई और जाता है। इस बार मैं आपको लेकर आया हूं ऋषिकेश में, जहां इस बार हम रियली कुछ एडवेंचरस करने जा रहे हैं। क्या एडवेंचर है, क्या थ्रिल है, आपको दिखाएंगे जंपिंग हाइट्स में। जी हाँ, हम आपको लेकर जा रहे हैं जंपिंग हाइट्स में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वहाँ पर जाने के लिए ज़रूरी है गट्स। अगर आप में गट्स हैं तो चलिए मेरे साथ जंपिंग हाइट्स में। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला से 13 किलोमीटर आगे नीलकंठ रोड पर मोहन चट्टी में स्थित बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स और जायंट स्विंग जैसे एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स उपलब्ध हैं। और ये एक्सपीरियंस देती है एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी जंपिंग हाइट्स। जैसे ही आप इनके ऑफिस में पहुंचते हैं, यहाँ एक अजीब सी एक्साइटमेंट आपको घेर लेती है। यहाँ पहुँचते ही आप एक अच्छे से कैफ़े में एंटर करते हैं, जहाँ आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं और रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद शुरू होता है रोमांच का सफ़र कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ। पहले एक फॉर्म फिल करवाया जाता है और उसके बाद आपका वेट चेक किया जाता है, क्योंकि आपके वेट के हिसाब से इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कॉर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। हाय जयदीप, वेलकम टू जंपिंग हाइट्स। थैंक यू। सो जयदीप, हम लोग जंपिंग हाइट इंडिया का पहला एक्सट्रीम एडवेंचर जोन है। हम लोग यहाँ पे तीन टाइप की एक्टिविटी कराते हैं, बंजी जंप, फ्लाइंग फॉक्स एंड जायंट स्विंग। अब तीनों एक्टिविटी के लिए जो आदमी का वजन बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होता है, और बंजी में हम तीन टाइप की कॉर्ड यूज़ करते हैं। फर्स्ट, मिनिमम आपका वजन का 40 kg होना चाहिए और 110 इज द लिमिट फॉर द बंजी के लिए। सो पहला जो कॉर्ड हम यूज़ करते हैं 40 से 60 kg के वेट के लिए करते हैं, उसका नाम है ब्लू कॉर्ड। जो दूसरा कॉर्ड है वो 61 से 85, उसका नाम है ग्रीन कॉर्ड। एंड 86 से 110 वो है रेड कॉर्ड। सी, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि सपोज आप ब्लू कॉर्ड कैटेगरी में आते हैं 40 to 60 kg, और अगर आपका जंप मैंने रेड कॉर्ड में करा दिया, 86 से 110 के लिए जो बना हुआ है, तो वंस आप जंप तो कॉर्ड को प्रॉपर एसिस्टी नहीं मिलेगा, सो यू विल गेट अ जर्क। सो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट वेट के लिए डिफरेंट कॉर्ड बनाया गया, ताकि आपकी बॉडी को जर्क ना लगे वंस यू जंप। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग एंड द डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड। सबसे पहले हमने रुख किया बंजी जंपिंग का। जंप से पहले यहाँ आपको हार्नेस किया जाता है और जंप मास्टर्स आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं। Okay. Okay. Luck favors the brave. Okay. If you do a nice big jump, then you get a beautiful, smooth, and gentle ride. Okay. If you go straight down, then you come straight back up. All right. Okay. So first you get a little bit rougher ride. Still okay. It's still totally safe. Okay. But it's just a bit rougher. You'll get more disorientated. It's not easy to walk with your legs tied together. Yeah. It's a bit like being a bungee prisoner. पहली बार बंजी जंपिंग करने वालों के लिए यकीन मानिए, ये आसान नहीं होता। हार्नेसिंग के बाद जब आप जंप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो नसों में तेजी से दौड़ता खून, उत्साह और डर जैसे एहसास मानो आपके साहस की अग्नि परीक्षा ले रही हो। और फिर वो वक्त आता है जब ना चाहते हुए भी आपको करना ही पड़ता है। जंप के बाद एक अलग सा एहसास होता है, ऐसा लगता है मानो दुनिया जीत ली। इस पे काम 2006 में शुरू हुआ था, पर इसको पब्लिक के लिए मई 2010 में हमने स्टार्ट किया, और 2010 मई से लेकर के अभी तक हम बहुत लोगों को बंजी जंप, जॉइंट स्विंग और फ्लाइंग फॉक्स यहाँ करा चुके हैं। धीरे धीरे ये
इस इंडिया में एक्सेप्ट हो रहा है और पॉपुलर हो रहा है, और यहाँ पर जो यूथ आते हैं वो उसको बहुत आनंद उठाते हैं और उन्हें इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। बंजी जंपिंग के ही प्लेटफॉर्म से जॉइंट स्विंग करवाई जाती है। इसी प्लेटफॉर्म से आप नीचे कूदते हैं, छलांग के नीचे पॉइंट तक पहुंचने पर आप रस्सियों के सहारे पेंडुलम की तरह झूलते हैं। यहाँ हर स्पोर्ट्स के लिए सेफ्टी मेजर्स का बहुत बहुत खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट जो बंजी जंप, जॉइंट स्विंग या फ्लाइंग फॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो सब इंटरनेशनली अक्लेम्ड कंपनी से, जो पूरे दुनिया में एक्सेप्टेबल है, वो सामान ही इस्तेमाल होता है, बाकी कोई दूसरा सामान इस्तेमाल नहीं होता है। सारे इक्विपमेंट की जो लाइफ है उसको लॉक किया जाता है, उसके यूजर्स को लॉक किया जाता है, और उसकी लाइफ ख़त्म होने से पहले ही उसको काम से हटा दिया जाता है और उसको मार्क किया जाता है ताकि वो गलती से भी उस चीज़ हमारे दूसरे सामान के साथ ना लगे, और उसको ब्रिज से हटा दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एशिया की सबसे लंबी फ्लाइंग फॉक्स का मजा लिया जा सकता है। यहाँ पर आप गति से 120 मीटर ऊपर एक लंबी तार के सहारे लटकते हुए 1 मीटर की दूरी को उड़ते हुए तय करते हैं। यहाँ जहाँ एक तरफ रोमांच और साहस आपको चुनौती देती है, उसके बाद जो एहसास होता है वो जिंदगी में आपकी सांसों के साथ साथ चलती रहती है। यहाँ लोग जिंदगी दो तरीकों से जीते हैं। कुछ लोग चुपचाप दुनिया में आते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं, और कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में होते हैं उन्हें किसी भी चीज का मलाल नहीं होता। आज हमने भी कुछ ऐसा ही जबरदस्त, एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीज को एक्सपीरियंस किया है। अगर आप भी अपने गट्स और एडवेंचर को आजमाना चाहते हैं तो जंपिंग हाइट्स आपके लिए है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि डर के आगे क्या है। कैमरामैन कुलजिंदर सूद के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज, ऋषिकेश। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।